महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद अब फाइनली एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ में एक के बाद एक बड़ा फैसला ले रहे हैं और इनके खिलाफ में पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुके हैं। और इनके द्वारा लिए गए फैसले की वजह से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप सबको बता दूँ कि जैसा कि आप देख ही रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है लगातार उद्धव ठाकरे के द्वारा लिए गए फैसले को पलटा जा रहा है। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के बीच में एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार के औरंगाबाद को संभाजी नगर करने के फैसले को भी पलट दिया है। आप सबको पता होगा कि जैसे ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दिया था उससे पहले पहले उनके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया था और औरंगाबाद का नाम जो है वो संभाजी नगर रख दिया गया था। लेकिन अब इस फैसले को भी सीधे सीधे एकनाथ शिंदे सरकार ने पलट दिया है। इसके अलावा उस्मानाबाद के नाम को भी बदलने का फैसला पलट दिया गया है। सरकार का कहना है कि उसके लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और एक बार फिर से इसे कैबिनेट से पारित कराना होगा। अब नामों को बदलने के फैसले को स्थगित करने पर उद्धव ठाकरे ग्रुप ने एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला है। संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए सवालिया अंदाज में कहा है कि औरंगजेब आपका रिश्तेदार कैसे बन गया। पता ही होगा कि ये बात जो है संभाजी नगर रखने वाली बात जो है औरंगाबाद का नाम जो है संभाजी रखने वाली बात को लेकर उद्धव ठाकरे द्वारा कई बार बोला गया था कि ये जो है बाला साहब ठाकरे का सपना है इसीलिए हमने इस तरह का काम किया था। लेकिन उस फैसले को भी एकनाथ शिंदे के द्वारा पूरी तरह से पलट दिया गया। इस पर जो है कुछ लोगों के द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दो दिनों के विदर्भ दौरे पर निकले संजय राउत ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनाने वाले लोगों ने ऐसा उन्होंने कहा कि सरकार महाराष्ट्र विरोधी है इसलिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले को पलट दिया। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव भी स्थगित किया गया है जिसे हिंदू नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया था। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के हाथ में तो कुछ है ही नहीं सरकार तो देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि इस सरकार पर तो सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की ओर से खुद पर हमला किए जाने का भी जवाब दिया। राउत ने कहा मैं शिवसेना का मालिक हूं शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के लिए लाखों शिवसैनिक अपनी जान देने को तैयार हैं। अगर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ रहना शिवसेना का अंत कहा जाता है तो वफादारी की परिभाषा बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना एक बार फिर से राज्य की सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि जो शिवसेना को खत्म करना चाहते थे वो भाजपा के साथ में चले गए हैं। बाय द वे कहीं ना कहीं से ये काफी बड़ा फैसला लिया गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस पर सीधे सीधे बोला था कि हमने जो है बाला साहब ठाकरे का जो एक सपना था उसको पूरा कर दिया और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।